चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देर रात जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने से फिर से एक बार बचा लिया है। 10 साल में ये चौथी बार है जब चीन ने इसके लिए अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका अजहर के खिलाफ ये प्रस्ताव 27 फरवरी को लाए थे। इस पर आपत्ति की समय सीमा बुधवार रात 12:30 बजे खत्म होने से ठीक एक घंटे पहले चीन ने इस पर अड़ंगा लगा दिया। सूत्रों ने बताया कि 10 से अधिक देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। चीन ने कहा कि वे बिना सबूतों के कार्रवाई के खिलाफ है। यही बात उसने 3 दिन पहले भी कही थी। इस पर अमेरिका ने चीन से गुजारिश की है कि वे समझदारी से काम ले, क्योंकि भारत पाक में शांति के लिए मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करना जरूरी है। आतंकियों के खिलाफ हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। भारत ने प्रस्ताव लाने और उसका समर्थन करने वाले देशों को धन्यवाद कहा है। इस बीच यूएनएससी के सदस्यों ने चीन को चेतावनी दी है। चीन से कहा गया है कि अगर वह मसूद अजहर को लेकर अपने रुख को नहीं बदलेगा तो दूसरी कार्रवाई के विकल्प खुले हैं। अब हम आपको बताते हैं आखिर चीन हमेशा से मसूद को बचाने की फिराक में क्यों रहता है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान में 7 लाख करोड़ का निवेश लक्ष्य है। पाकिस्तान में चीन सीपैक में $55 बिलियन का निवेश करेगा। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स में $46 बिलियन खर्च कर चुका है। साथ ही पाकिस्तान में पंजीकृत विदेशी कंपनियों में सबसे ज्यादा 76 चीन की कंपनियां हैं। चीन भारत को अपना सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिद्वंद्वी मानता है। चीन चाहता है कि भारत दक्षिण एशिया के अहम बिंदुओं पर ध्यान ना देकर घरेलू समस्याओं में उलझा रहे। वे मसूद के खिलाफ जाता तो भारत मजबूत दिखता। चीन में मुस्लिमों पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। वे खुले में नमाज नहीं पढ़ पाते। इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों में सिर्फ पाक ही इन प्रतिबंधों को सही मानता है। इसलिए चीन को इस मोर्चे पर भी पाक की जरूरत है। आपको बता दें, अमेरिका और दलाई लामा भी इस चीज का कारण है। भारत अमेरिका के अच्छे संबंध चीन के खिलाफ जाते हैं, इसलिए चीन ने मसूद अजहर को हथियार बना लिया है। ठीक वैसे ही चीन दलाई लामा को मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज़।